हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन इस लेसन में बात करने वाले हैं, वो है ट्रिक टू फाइंड द बॉन्ड एंगल। भाई बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे, आपको एग्जामिनर तीन चार कंपाउंड्स दे देगा और फिर इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाने के लिए बोलेगा। तो आज अपन देखते हैं कि बॉन्ड एंगल की जो भी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड एंगल की सारी प्रॉब्लम्स आपको कैसे सॉल्व करनी है। देखो, सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये एक हल्का सा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके लिए ऑर्डर बनाया है। ये देखो, लेफ्ट टू राइट, ये है एफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबको पता है पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और ये रफ ऑर्डर है। ठीक है, आप एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात सबको पता लग गई। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होंगे एलपी, दैट इज लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एलपी बीपी, और सबसे कम रिपल्शन होंगे बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आज मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ऑर्डर का आइडिया सबको हो गया होगा। अब चलो बात करते हैं कि इसके बाद क्या है। इसके बाद बहुत जरूरी चीज है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन सबको आनी चाहिए निकालनी। मेरे चैनल पे, अनिरुद्ध वालिया के चैनल पे, आपको एक वीडियो में मिल जाएगी, ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन बाय अनिरुद्ध वालिया। मेरी रिक्वेस्ट है जिसको हाइब्रिडाइजेशन वो ट्रिक निकाल उस ट्रिक की हेल्प से नहीं आती निकालनी, तो एक बार आप वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये लेसन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। देखो, मैंने कंपाउंड लिया है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 का मैंने कंपाउंड लिया है। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सल्फर के 6, 7 फ्लोरिन के, टोटल फ्लोरिन कितने हैं 6, तो 6 × 7, क्लियर, वो कितना हो गया टोटल 48। अब देखो 48 है, अब ये उसमें मैंने पूरा ट्रिक एक्सप्लेन कर रखा है कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रफ आइडिया दे रहा हूँ फटाफट। देखो 8 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है 8 से पूरा डिवाइड हो गया, क्वेश्चन कितना बन रहा है 6 आ रहा है। ये 6 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप बहुत आसानी से ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। लोन पेयर की ट्रिक होती है कि जो भी आपका ये क्वेश्चन आया है, जो भी ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन माइनस सराउंडिंग एटम्स। देखो क्वेश्चन कितना है 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब माइनस क्या करना है सराउंडिंग एटम्स। देखो सराउंडिंग एटम्स क्या है, सल्फर के सराउंडिंग कितने एटम्स है 6 फ्लोरीन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो कितना हो गया 0। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं 0। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ कि लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम। अब आप आसानी से सराउंडिंग एटम्स लिख सकते हो। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स को पता ही है बगल में कितने होंगे। देखो एग्जांपल दे दूं NH3 का, तो लोन पेयर उसमें कितने होंगे 4, तो ये कहाँ से आया है मैंने डिवाइड करा है। जिसको भी वीडियो नहीं देख रखी है, अगेन रिक्वेस्ट टू यू कि वो वीडियो पक्का देखें। -3 क्या क्या है सराउंडिंग एटम, NH3 के सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन है, क्लियर। BCl3 की बात करूँ तो 3 वो क्वेश्चन करके आया था जो पीछे में 6 आया है। अब 3 क्या है सराउंडिंग एटम्स, तो ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये चीज अपने को काम आने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया जुगाड़ क्या है इसका फाइंड करने का। देखो तो जुगाड़ क्या है, अगेन वालिया का जुगाड़। बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में को रिक्वेस्ट भी की थी सर वालिया के जुगाड़ और बताइए, तो चलो बात करते हैं। देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अब मुझे उम्मीद है हाइब्रिडाइजेशन सबने देख लिया होगा वीडियो और सबको निकालनी आ गई होगी। अब देखो दो केस बनेंगे, या तो उन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी या क्या होगी डिफरेंट होगी। भाई अब जब डिफरेंट हुई, पहले केस लेते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुई, अब जब डिफरेंट होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। मान लो दो कंपाउंड है, एक का हाइब्रिडाइजेशन है sp और एक का है sp2, तो sp का मतलब पता है आपको लीनियर शेप, मतलब ऐसे लीनियर शेप होगी, तो उसका एंगल कितना होगा बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री। और दूसरा क्या है sp2, तो उसका एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट होगी तो आप देखते ही बता दोगे किसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, उसमें बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से आप बॉन्ड एंगल बता दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 180 इस वाले का ज्यादा है। डिफरेंट वाले केस में तो बहुत आसानी से बता देते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछता ही नहीं एग्जामिनर क्या पूछेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। अब देखो सेम के केस में क्या फंडा है, देखो सेम के केस में दो चीज होंगी, एक होगा लोन पेयर या तो जीरो होंगे उन सब में, या लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर जीरो मतलब लोन पेयर अब्सेंट। भाई जब लोन पेयर अब्सेंट होगा, पहला केस देखते हैं, जब लोन पेयर अब्सेंट होगा, लोन पेयर अब्सेंट हुआ और उस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, इट मींस सबके बॉन्ड एंगल होंगे बराबर। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, सबकी चेक कर ली, सेम है, लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर निकालने का भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, और अब क्या कर लोगे तुरंत हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल आप कंपेयर कर लोगे, सबका सेम आएगा इक्वल।
अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है, मान लो किसी में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, किसी में दो है, किसी में एक भी नहीं है, तो उनमें कैसे बोन एंगल कंपेयर करना है वो आज अपन बात करेंगे, तब मजा आएगा। ये वाला असली चीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन अपन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाला फंडा आपका क्लियर हो जाए। देखो BF3 और BCl3 मैंने कंपाउंड दिया, इन दोनों में बॉन्ड एंगल मुझे कंपेयर करना है। देखो BF3 और BCl3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया sp2। क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को आती है, मैंने वो ट्रिक देख रखी है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अब देखो दोनों में लोन पेयर होंगे ही नहीं, एक तो देखो ट्रिक से भी निकाल लो या वैसे निकाल लो। देखो बोरोन के पास तीन वैकेंट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन के साथ F3 बना रहा है, तो तीनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। सेम चीज BCl3 में, बोरोन के पास इधर तीन थे पर तीन क्लोरीन के साथ यूज हो गए, तो जीरो लोन पेयर होंगे और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है बराबर, दैट इज sp2। तो दोनों का बॉन्ड एंगल भी कितना होगा? इक्वल, यानी 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री, ये भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। क्लियर हो गया? जब बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर कर लिया आपने फटाफट, हाइब्रिडाइजेशन चेक की, सेम आई, लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब बॉन्ड एंगल होंगे सब में सेम। अगला एग्जांपल देखते हैं भैया, इसमें लोन पेयर पूछे जाएं आपसे, तो देखो उधर क्या होगा। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मैंने पूछा है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला sp2 sp3 तुरंत निकाल लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस कंपाउंड में लोन पेयर आते हैं वन, एक लोन पेयर होता है, ये एक लोन पेयर है, और SO3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात नोट करना, जब भी लोन पेयर आ जाए ना तो समझ लेना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर है, इस बॉन्ड पे रिपेल मारेगा, यहाँ पे रिपेल मारेगा, इसको जब रिपेल मारेगा तो ये दोनों बॉन्ड्स पास आएंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इट मींस SO3 में। जब भी लोन पेयर आपको दिख जाए समझ लेना बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर ये वाली बात? तो SO3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलो ये अगेन मैंने कोई चार कंपाउंड्स आपके लिए लिए हैं, SiO4- PO3, PO4-3, Cl4- SO4-2। अब इनमें बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने हैं। अब एक बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे? सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल भी होगा सेम। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इनमें किसी पे भी लोन पेयर नहीं है। जब भी लोन पेयर नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो सबका बॉन्ड एंगल कैसा होगा? बराबर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला बॉन्ड एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सब बॉन्ड एंगल आपस में बराबर है। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसाना चाहिए, तभी आपको प्रॉब्लम्स कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो अगली प्रॉब्लम और देखते हैं भैया, ताकि और अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो अब देखो POF3 और PF3 में कंपेयर करना है। देखो मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया है, स्ट्रक्चर देखो, इसमें बॉन्ड एंगल दिख रहा है, इसमें लोन पेयर दिख रहा है, सॉरी लोन पेयर इसमें दिख रहा है। जब भी लोन पेयर दिख जाए समझना रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली POF3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू PF3। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब भी लोन पेयर दिख जाए और एक में नहीं है तो जिसमें नहीं है उसका बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा। ये वाला फंडा सबको क्लियर? आगे बढ़े फिर अपन और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखो, SOCl2 और SO2Cl2। अगेन देखो दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है आपके सामने, आपको मेरे को बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखो SOCl2 में सल्फर पे एक लोन पेयर है, SO2Cl2 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इट मींस किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड्स पे रिपल्शन आएगा, बॉन्ड्स पे रिपल्शन आएगा तो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा, बॉन्ड का एंगल, वो डिक्रीज करेगा। यहाँ तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ही नहीं, तो कौन रिपल्शन मारेगा? कोई नहीं, तो नो डाउट SO2Cl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू SO2Cl2। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड एंगल का फंडा। ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार पूछी जाती हैं, अपन ने 5-6 प्रॉब्लम्स कर ली, मुझे उम्मीद है सबको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, बहुत जरूरी चीज़ है। अब जिस चीज़ को भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और चाहते हो कि मैं बार बार डेली वीडियोस डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड मिलता रहे और बहुत सारी औसम वीडियो आपको मिलती रहे। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि IIT JEE 2018 से पैटर्न चेंज हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अवेयर रहने के लिए चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस जुड़े रहें और मस्ती करते रहें, यही आपसे मैं विनती करता हूँ। तो बस कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।